क्या कहते हैं देवी माँ का पिंड। ये माता आयथान जो बोला जाता है, ये कौन सा माता का मंदिर है बताएंगे? इतना हम तो नहीं जानते हैं। नहीं। आयथान कौन सा समय में कौन सा तिथि में पूजा होता है? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभवार हो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है 25 फरवरी और हम लोग का इस एरिया पर फागुन महीने में होता है देवी पूजा। और वो कौन सा देवी पूजा है, वहीं पर आज जाने वाले हैं हम लोग। और आज का ये ब्लॉग बहुत ही बब्बाल होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस ब्लॉग को अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करना ना भूले दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और ये किधर घुस रहा है भाई? मरने का इच्छा है क्या इसको? ट्रेन खड़ा है और ये पार होने का कोशिश कर रहा है। कैसा अजीब अजीब इंसान है ये। जो डब्बा है यहाँ से गिट्टी गिराते हुए आ रहा है रेलवे का कर्मचारी। तो चले भैया। तो मेरा डुडू भैया पहुंच चुके हैं देवहाल। देखिए आयथान जाते हुए बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत ही भीड़ लगने वाला है भाई आज। तो थोड़ा रास्ता भी खराब है यहाँ का। ये रास्ता शॉर्टकट है दोस्तों, नदी किनार किनार जाते हुए आपको सीधा मिलेगा आयथान। साहब ये गाड़ी तो जाने का जगह ही नहीं दे रहा है। अरे थोड़ा सा साइड दे, मैं भी पार हो जाऊं। ये है देहल बगान का लाइन क्वार्टर। बहुत सारे लोग जा रहा है भाई, बहुत भीड़ होने वाला है, बहुत भीड़। तो ये है पार्किंग एरिया। बहुत सारे लोग अभी आ भी रहा है। और इधर में पार्किंग एरिया देखिए, सिर्फ ये गेट में ही इतना भीड़, और अंदर में तो और भी कितना भीड़ हो सकता है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आयथान। और अभी जो फर्स्ट हम लोग घुसते हैं मंदिर पर और थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग भी आए हुए। अरे मोना दे, मोना दे, अरे अरे कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। बहुत दिन का बाद देखा यार अचानक। सच्ची का बहुत दिन का बाद। कौन कौन? बढ़िया। को आको छो को? अकेला अकेला किधर जा रहा है? उठा के ले जाऊं तुझे? माँ को छोड़ के कहाँ जा रहा है? चलो उठा के ले जाता हूँ। जाएगा मेरे साथ भी? अच्छा 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 हेरे के छे तो दीदी शर्माते हुए आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं अंदर। और मेरे पीछे देखो भाई, कैसे कौन कौन आया? कौन कौन आया तुम लोग? यहाँ पर क्राउड देखिए, बहुत ही खतरनाक वाला भीड़। अभी हम लोग घुसने वाले हैं मंदिर। तो दीदी पूजा वूजा हो गया? नहीं हुआ है, अभी आए हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या मांगने वाले हो माता से? दीदी शर्मा गई। तो दोस्तों ये है आयथान, आप देख सकते हैं सब लोग यहीं पर ही पूजा करता है। और अंदर का नज़ारा कैसा है मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहीं पर सब लगा रहा है दिया, शायद नारियल भी यहीं फोड़ा जा रहा होगा। हाँ तो इसीलिए पानी ही पानी है। ये है देवी माँ का पिंड, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये है मंदिर का पीछे का साइड, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूजा किया जाता है। ये है दोस्तों देवी माता का झूला, प्रकार का झूला बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर लोग आकर पूजा वूजा करते हैं। और कुछ पंडित से मैं बातें करना चाहता हूँ कि ये मंदिर कौन सा देवी माता का मंदिर है। तो पंडित जी नमस्कार, कहाँ से हो आप? ये माता आयथान जो बोला जाता है, ये कौन सा माता का मंदिर है बताएंगे? इतना हम तो नहीं जानते। आइडिया नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ जितने भी पंडित आए हुए हैं, शायद उन लोगों को आयथान का बारे में उतना नॉलेज है नहीं। एक्चुअली ये है दोस्तों दुर्गा माता का मंदिर। और अंदर में आप देखें पिंड, दो तीन पिंड रखा गया है, तो वही माता का स्वरूप है ये इस मंदिर। और ये कब से स्थापित हुआ था ये तो मुझे भी पता नहीं। लोग यहाँ से निकलते हैं, फिर से आगे देखते हैं कौन बता पाएगा यहाँ का बारे में।
तो जानते हैं भाई, खोजते हैं उन व्यक्ति को। नमस्कार पंडित जी। हाँ बबुआ जी, ठीक है। कहाँ से हो? तिनसुकिया से। अच्छा, ये आयथान के बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? आयथान के बारे में ऐसे बहुत भलाई लोग हो केला। अच्छा, वो तो होता ही है। हाँ, हाँ। लेकिन इसका बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? दूसरा तो नहीं कोई हम बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। ये भगवान क्या जुलूम है। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा। और कहाँ से हैं आप? मैं दुमदुमा से हूँ। दुमदुमा से हूँ। अच्छा, आयथान के बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? आयथान यहाँ बहुत शक्तिशाली मंदिर है। यहाँ जो आता है उसका मनोकामना पूर्ण होता है। बाबा का कृपा है, माता रानी का कृपा है, आशीर्वाद है। ये मतलब कौन सा माता का मंदिर है और कब से यहाँ स्थापित हुआ है, बताएंगे क्या कुछ हिस्ट्री? ये तो बहुत पुराना मंदिर है यहाँ। और यहाँ जो भी मनोकामना लेकर के आता है उसका पूर्ण होता है। अच्छा। और यहाँ का जो भी व्यवस्थापक है। ना, ये मंदिर का बारे में बताइए। वो तो मैं नहीं बता सकता। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले यहाँ पर इतना पंडित आता नहीं था, सिर्फ एक यहीं का पुजारी था। और अभी जितने भी लोग आए हैं वो तिनसुकिया से है, कोई कहाँ से है, किसी को मतलब पता नहीं है आयथान का बारे में। और कौन बता पाएगा आयथान का बारे में, देखते हैं। राम राम पंडित जी। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं ना। हाँ। कहाँ से हैं आप? हम तिनसुकिया से आए। अच्छा, ये आयथान के बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? आयथान के बारे में हम नया है। तो दोस्तों सब नया ही नया है। आप लोग बता पाएंगे क्या आयथान के बारे में? ये जो थान है इसका बारे में कुछ बता पाएंगे? देहोल तो बगान है। हाँ। मंदिर के बारे में नहीं बता पाएंगे? ना। और पंडित जी कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कहाँ से है? हम नागाकाटा बाली जान। ये पंडित, ये मंदिर के बारे में कुछ बता पाएंगे? बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है। मान्यता कुछ बता पाएंगे किस लिए स्थापित हुआ था? इस माँ का मान्यता तो इसे याद नहीं है, लेकिन ये जो माँ का कृपा है बहुत अद्भुत है। जो भी आते हैं मन्नत मांगते हैं यहाँ, माँ उनका पूरा करती है, ठीक ना। अच्छा, ये आयथान कौन सा समय में, कौन सा तिथि में पूजा होता है? ये आपका, ये हम लोग का चतुर्दशी तिथि में पूजा होता है। चतुर्दशी? हाँ, माघी पूर्णिमा जो लगता है, पूर्णिमा, वो चतुर्दशी तिथि में होता है पूजा, रात को। अच्छा। जी, अभी ये पूजा किस समय में लगा हुआ है? ये माघी पूर्णिमा का तिथि में लगा हुआ है, चतुर्दशी का। हाँ। अभी ये जो माघ का पूर्णिमा हुआ है, कल से जो पूर्णिमा लगा है, ये तो फागुन लग गया ना अभी? आज से फागुन हो गया। आज से फागुन हो गया। एक फागुन है। एक फागुन जी, एक फागुन। कल माघ का लास्ट महीना था, लास्ट महीना का लास्ट दिन। तो कल पूर्णिमा हुआ। हाँ। और कल से मतलब पूजा आज दो दिन लगता है? जी जी, दो दिन से तीन दिन तक रहेगा ये पूजा। कल तक भी कोई आएगा, लास्ट कल तक है, सोमवार। तो ये जो आयथान मंदिर है ये बहुत ही पुराना मंदिर है। आप, क्योंकि मैं भी बहुत ही पहले से आया हुआ हूँ इस मंदिर पर, पहले इस तरीके का नहीं था। सिर्फ वो आगे में जो आप देखे मंदिर, देवी माँ का पिंड जो लगाया हुआ है, वहाँ पर सिर्फ छोटा सा मिट्टी का था और पेड़ था यहाँ पर बहुत बड़ा। लेकिन अभी यहाँ पर फंड देते देते मंदिर बहुत ही भव्य रूप से बन चुका है और बहुत ही आस्था है यहाँ इस मंदिर में लोगों का। तो जो भी आता है अपना मनोकामना मांगता है तो वो पूरा हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर की ओर और दिखाते हैं आपको मेरा चेहरा। तो दिखा दो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा। वाह, पटनम ना, तो क्या गरमा गरम चाप। प्याजे किधर बज रहा है भाई? अरे भाई साहब, ये थोड़ा यूनिक चीज दिखाई दिया। ये देखिए, बी का रस, हनी बी। तो ये हनी निकल रहा है यहाँ से, आप देख सकते हैं। ये क्या लोकल है? कहाँ से लाए हो? जंगल से। कौन सा जंगल? पूरा ये क्या रस है? उन्हें ऊपर से डाला हुआ है कुछ रस है। कटारी ले लो, कटारी ताजा ताजा, कटारी धार धार, कटारी ताजा नहीं है दोस्तों, धार कटारी। वीडियो बना लो, बाल कर अपना यूट्यूब पर डाल लो। खीरा, गाजर, मूला, सिल्का बकली था बोला। अच्छा, घुराई दियो का अपना डिजाइन बना लो। अरे हम लोग का यहाँ पर है तो देख सकते हैं, ये हम लोग का गांव का मेंबर लोग, ये बड़ा मेंबर हैं। और मेरा दो पंट, अरे इधर में है मैन ढाड़, इधर में है। अरे भाई देखो, भूकड़ खा रहा है पूरा चाउमीन भाई। मेला में कितना भीड़, और मेरा पीछे में भी देखो, बाप रे बाप। को संग आयो
दोस्तों ये है मौत का कुआं, आप देख सकते हैं, और हम लोग जा रहे हैं मौत का कुआं देखने के लिए, और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी दिखाएंगे मौत का कुआं। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं मौत का कुआं का प्लेस पर, अंदर का नजारा भाई साहब, और यहाँ से नीचे का नजारा देखिए और भी खूबसूरत। मौत का कुआं देखोगे? हाँ। कैसा लगता है मौत का कुआं देखने में? अच्छा। क्या बोलेगा बताओ? हैं? हेलो गाइस, एटा मोई लगा, एटा बास के खोचा, एटा बास के खोचा। ओ भाई ऊपर में भी कट मारते हुए, यहाँ पर ये मौत का कुआं जो है थोड़ा लूज होते हुए अभी वो सेटिंग कर रहा है, तो इतना अपना जान जोखिम में रख के दर्शकों का मनोरंजन करता है, बहुत ही हैट्स ऑफ है भाई। तो कहाँ से हो आप? कहाँ से? गुरेश्वर, तामुलपुर। राजू बोरो। मतलब प्रैक्टिस करते करते हो गया है। कितना साल का मेहनत है ये? अभी मेरा लगभग 15 साल हो गया है। 15 साल इस प्रोफेशनल में? जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, और आप लोग भूल से भी घर पर ट्राई ना करें, बहुत ही डेंजर है कि नहीं? लेकिन ये देसी लैंग्वेज में राम ढेलुआ कहता है कि नहीं? राम ढेलुआ कहता है। शर्माते हुए इधर में सेल्फी लेते हुए, तो इसे क्या कहते हैं? राम ढेलुआ भाई, राम ढेलुआ। पहचाना मुझे? कैसे हो यहाँ पर? हाँ ब्लॉग देखो, क्या नाम है? अंशुमन दास। जाएगा ना? तो बना रहा है, और ये सिर्फ आर्ट कर रहा है, टैटू बना नहीं है ना, अभी बनाएगा। अच्छा, इसका ये जो टैटू मशीन है इसमें जो पिंक, वो पिंक क्या चेंज करता है हर बार। तो दोस्तों गर्मा गर्म जलेबी खा रहे हैं, और अभी समय हो चुका है 3, हम लोग निकले थे घर से लगभग 11:30-12 बजे, और ये है मेरा भाई, आज ये आया है मेरे साथ। कैसा लगा बाजार घूम के? मजा आया। YouTube पर वीडियो बनाऊं तो? कहाँ से हो आप लोग? अलीमुर। किधर है अलीमुर? डिब्रूगढ़। तो आप लोग आ जाओगे YouTube पर, ठीक है? अभी स्कूटी लेके आया है, क्या सुपर बाइक है बोल के सोच रहा था क्या? तो दोस्तों ये मेरा भाई लोग सोच रहा है सुपर बाइक में आया होगा, तो बहुत ही जल्दी सुपर बाइक ही मिलेगा, ठीक है? तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कौन हम लोग खा रहे हैं, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है, और यहाँ पर बटर लगाया हुआ है, टेस्ट तो बहुत ही शानदार। आप लोगों को कैसा लगा ये मेला और ये ब्लॉग? कुछ भी अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ये ब्लॉग को यहीं पर करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं दोस्तों नए दिन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय आसाम।